तो भाई बाइक लगा दी अपने पार्किंग पे, ठीक है, पार्किंग देख रहे हो ये वाली। यो सो वेलकम गाइस टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई पता नहीं यहाँ पे कल आ रहा हूँ या कैसा आ रहा हूँ, तो मैं आया हूँ मूवी देखने, तू झूठी मैं मक्का। तो मतलब काफ़ी टाइम से देखी नहीं थी मैंने, तो मतलब है ना ये सिनेमा हॉल तो काफ़ी सही है, बस यहाँ की पार्किंग थोड़ी ना ऐसा लगता है जब भूत बंगले में आ गए। मैं दिखाता हूँ आपको, बाइक लगा दी यहाँ पे, ठीक है, मतलब दिन का टाइम हो रहा, पता नहीं वीडियो में इतना अंधेरा क्यों आ रहा है। चलो हेलमेट जमा करते हैं, चलते ऊपर। तो भाई ये ले लिए पर्ची, कैश ले नहीं रहे, UPI करते हैं, लास्ट में देखते हो जाएगी तो कर देंगे। तो भाई ये अपना टिकट काउंटर, टिकट लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है अपनी टिकट, ठीक है, तो जा रहे मूवी देखने के लिए। पता है लोग सिनेमा हॉल में ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाते, भगवान जाने, मैं कोशिश करता हूँ, बन गया तो अच्छा बना लेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं ऊपर, सस्ता शो मिलता है एक हफ्ते के बाद आओ टिकट देखने के लिए। तो भाई अपना शो था 4 बजे का स्टार्ट, सुपर डिश वाला, ठीक है, तो खाना देख रहे हो पूरा खाली पड़ा हुआ, मतलब मूवी रिलीज हुई थी लास्ट वीक और अगर एक हफ्ते के बाद होगा ना तो खाली मिला, दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ कर देखो, मेरा आगे तो देख रहे हो पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, बस ये पीछे की वो है ना, ये थोड़ी भरी हुई है, पर कोई बात नहीं चलता है। लास्ट बताऊँ आपको कि मुझे मूवी की टिकट कितनी पड़ी, इतनी चीप है ना, मजा आ जाएगा। तो भाई मूवी हो चुकी है ऑलमोस्ट स्टार्ट, इसलिए मॉल में आपको सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ मैं, देख रहा हूँ भाई जैसे ये फ्लैश चला कर आ रहे हैं। शर्म नहीं रहेगी लोगों में, डिस्गस्टिंग, सही कह रहा है, काश सब तेरी तरह आदर्श पति बन पाते। लकी है किंची की ऐसा पति मिला है जो शर्मो लिहाज में ये भी नहीं कह पा रहा कि बेबी बैचलर्स पे तुम अटंगो साथ में। तो भाई मूवी वगैरह देखकर मैं आ चुका हूँ घर पे। तो ये जो लास्ट वाली क्लिप देखी ना आपने, ये मैंने इंटरवल में बनाई थी, ठीक है, उसके बाद तो भाई मतलब कहानी ने ऐसा ट्विस्ट मारा, मतलब मैं सोच रहा मैं यार मैं क्या देखने के लिए आ गया, मैं क्या देखने के लिए आ गया। वो तो अपने रणवीर भाई, बहुत बड़ा फैन उनका मैं, मतलब एक्टिंग देख नंबर की और सही लगती है, अपने बस्सी भाई की भी एक्टिंग अच्छी थी पहली मूवी के हिसाब से, अच्छा काम किया उन्होंने भी, पता नहीं क्या स्टोरी है ना वो वाली लगी नहीं मुझे, बस ठीक है, मतलब काम चलाऊ जो हुआ बना रखा था ना। एक्चुअली मैंने इससे पहले एक मूवी देखने गया था तो वहाँ पे इसका ट्रेलर चला था स्टार्टिंग में, तब मैं कह रहा हूँ ये मूवी देख ली है, मतलब जो ट्रेलर में था ना वही था मूवी में, बाकी मुझे कुछ खास लगा नहीं और मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था ना भाई ये मूवी देख के, तो मैं मेरा बिल्कुल भी जी नहीं करा कि भाई मैं आगे बोलो कंटिन्यू करूँ, फिर तो बस अंधेरा हो गया था, मैं कहा भाई बाइक उठाओ और चलो, और मैं गया पार्किंग में भी क्या ही ब्लॉग बनाता मैं, वहाँ आपने देखा था उजाले में तो इतना उजाले में सारा खंडर था वो पूरा, अब मैं कह यार क्या बनाता वहाँ पे मैं, तो बस अब घर आ गया मैं, वैसे मैं डालने वाला नहीं था मैं वाला ब्लॉग, बहुत छोटा था, पर मैं कहा यार 3-4 मिनट का बन गया है, चैनल भी कंटिन्यू रहेगा, तो मैं क्या डाल देते हो। वो लोगों की बात याद आ गई भाई, एक जगह बैठ के वीडियो नहीं बनाते, लोग बोर हो जाएंगे, जगह बदलता हूँ। अभी मैं यहाँ पे था, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया। हाँ तो मतलब देखो, अगर आपके पास मतलब आप बिल्कुल खाली हो, काम धंधा कुछ नहीं है, तो भाई ये वाली मूवी देखने चले जाओ, और भाई जाना ना अगर आप दिल्ली विल्ली से हो तो भाई पीतमपुरा चले जाना, मूवी टाइम जाना गया था, टिकट पता कितने की थी, टिकट थी 125 रुपीज़ की। हाँ भाई हाँ 125, भाई मैंने जिंदगी में जितनी मूवी देखी है ना भाई, 150 रुपया देगा, 150 रुपये से मैंने 1 रुपया फालतू शायद ही दिया हो कभी, मेरे दोस्तों ने मेरी टिकट दे ली हो, मैंने आज तक 150 रुपये से ऊपर मूवी नहीं दी। जगह बदल भाई, लोग बोर हो जाएंगे, रुक जाओ तो साइड में बैठ के बात करता हूँ मैं। हाँ यहाँ पे ठीक है, ठीक है भाई, तो अगर आप मतलब नॉर्थ साइड से हो ना, मतलब रोहिणी में रहते हो या पीतमपुरा साइड हो, तो मूवी टाइम जाना या जाना आप G3S, तो यहाँ पे ना आपको टिकट 150 रुपये तक की मिल जाती है, इससे ऊपर
कोई वर्थ इट लगता नहीं मुझे आजकल की मूवी के ऊपर खर्च करना। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो जा सकते हो। वैसे एक अगली मूवी आ रही जॉन विक, उसका रिव्यू भी डालूंगा मैं। ये वाली मूवी मुझे 10 में से 6 स्टार बोलूंगा इसको मैं। ठीक है, 10 में से 6 स्टार, स्टार तो 5 में से होते, 10 में से 6 नंबर। ठीक है, क्या बोलूँ और क्या बोलूँ, बोलो छोटा बना थोड़ा और बड़ा बनाना है। थोड़ी देर में बोलता हूँ, जहाँ बदलता हूँ वो बोल दोगे आप। हाँ ये ठीक है। तो भाई मोटा मोटी आपको स्टोरी बता देता हूँ मैं मूवी की, ज़्यादा नहीं आपको 20-30 सेकंड लूँगा मैं। ठीक है, तो भाई बस्सी और रणवीर कपूर जो है दोस्त होते हैं। ठीक है, मतलब जो रणवीर कपूर भाई होते हैं अपने, इनके घर में सब CA होते हैं, और ये बंदा जॉइंट फैमिली में रहता है मेरी तरह। मेरे घर पर कोई CA नहीं पकड़ उसकी फैमिली में थे। ठीक है, तो ये दोस्त तो कहीं जाते हैं, अपने क्या बता रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, बोर हो गया ना, हो गया ना बोर, बस मैं भी ऐसे बोर हो गया था भाई। मत सुनो आगे, मत सुनो, मैं कह रहा हूँ तुम बैक कर दोगे, तुम वीडियो बंद कर दोगे कि भाई क्या 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 चला दिया हमने। ऐसे ही मैं इंटरवल में उठ के आने वाला था, पर भाई क्या करूँ, मेहनत के 125 रुपये फूके हैं नाइट शिफ्ट की जॉब करके, ऐसे कैसे आ जाता है। मगर आपके पैसे ख़राब ना हो इसलिए आपको रिव्यू दे रहा हूँ मैं, बस यही था। और ज़्यादा बड़ी वीडियो थी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या, आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो भाई कर देना यार, जो भी करना है। तो चलो भाई, शाम हो चुकी है, मेरे लॉगिन करने का टाइम हो चुका है। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में अगली मूवी का रिव्यू आएगा जॉन विक, वो मैं जाऊँगा जल्दी देखने, अपना टाइम खराब करने वाले 125 रुपये भी। चलो बाय 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 बाय।